जी बेटे, नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज केमिकल स्पीशीज। ये शॉर्ट क्वेश्चन है और ऐसे इसके अंदर बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो बनते हैं बोर्ड के अंदर, तो शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, समटाइम लॉन्ग क्वेश्चन भी टॉपिक जो है वो आया हुआ है। तो आप लोगों ने अपनी फुल कंसंट्रेशन लेनी है इस टॉपिक के ऊपर, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट हैं। इसलिए अगर आपको कंसेप्ट समझ आ गए तो इंशाल्लाह ये टॉपिक जो है वो आपको जो है वो भूलेगा नहीं। अच्छा बेटे, जो चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करना चाह रहे हैं केमिकल स्पीशीज। अब केमिकल स्पीशीज जब हम बात करते हैं तो हमें तीन मुख्तलिफ किस्म की स्पीशीज जो हैं वो नज़र आती हैं। कौन कौन से उनके नाम हम देख सकते हैं बेटे? आयंस हैं सेकेंड नंबर के ऊपर, मोलेकुलर आयंस हैं थर्ड नंबर के ऊपर, बेटे फ्री रेडिकल्स हैं। ये तीन डिफरेंट स्पीशीज केमिस्ट्री के अंदर हमारा इनकाउंटर होता है इनसे। इनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे, ये कैसे बनती हैं, क्या चीज़ें हैं ये, और इनको हम जो है किस तरह से अपने नॉलेज के अंदर ला सकते हैं कि समझने के लिए ये क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हमारा जो कंसर्न है दैट इज आइंस। आइंस को हम पढ़ते हैं, आइंस क्या होते हैं। अगर मैं इसकी डेफिनेशन के ऊपर चलूँ तो डेफिनेशन के अंदर कुछ कीवर्ड ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप उस उन कीवर्ड्स को अपने डेफिनेशन में नहीं लिखेंगे वो आपके मास प्रोडक्शन के अंदर शामिल हो जाएंगे, या आपके मास जो है अभी तक हो सकते हैं। वो कौन कौन से हैं पहले ओवरऑल व्यू ले लें, देन वी विल मूव टुवर्ड्स दोस कीवर्ड्स। आयंस, एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग चार्ज ऑन इट। अब यहां पे देखिए एटम है, ग्रुप ऑफ एटम्स हैं जिनके ऊपर क्या होगा, जिनके ऊपर बेटे चार्ज होगा, वो चीजें वो स्पीशीज जिनके ऊपर चार्ज हो दो स्पीशीज आर नोन एज आइंस। अब यहाँ पे जो आइंस हैं सॉरी यस आइंस हैं, ये बेसिकली डायरेक्ट रिलेट कर रहे हैं किसके साथ, आइन चार्ज के साथ। अब ये चार्ज क्या चीज है इसको समझें। चार्ज दो तरह के होते हैं, एक बेटे पॉजिटिव और सेकंड नंबर के ऊपर चार्ज का वो होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब वो स्पीशीज जिनके ऊपर कौन सा चार्ज है, इन्हीं चीजों के बेस के ऊपर, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बेस के ऊपर हम दो डिफरेंट नेम्स आयंस देते हैं। यानी दो तरह के आयंस जो हैं वो मौजूद होते हैं इस पूरे एनवायरनमेंट के अंदर। वो स्पीशीज जिनके ऊपर, यानी वो आयंस जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा वो क्या कहलाएंगे, कैट आयंस कहलाएंगे। कैट आयंस बिल्ली का आयंस, मैं अपने स्टूडेंट्स को जाता हूँ तो कहता हूँ बेटे समझने के लिए इस पर रखिएगा, बिल्ली बिल्ली के ऊपर क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ये सिर्फ जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। सेकंड नंबर के ऊपर बात करें तो बेटे वो स्पीशीज जिनके ऊपर क्या चार्ज है, वो आइंस जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा वो बेटे एनायंस कहलाएंगे, ठीक है। समझ आ गई बात। अब ये दो चीजें हमारे समझ में आ गई कि अच्छा आइन क्या है, जिसके ऊपर चार्ज है, चार्ज दो तरह का होता है पॉजिटिव नेगेटिव। जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है दैट इज बेसिकली केट आइन, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है दैट इज बेसिकली एनायन। अब नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा वो ये है कि ये भी तो हमें पता होना चाहिए कि ये बनते कैसे हैं। तो बेटे यहाँ पे मैं दोबारा हेडिंग यहाँ पे लिखता हूँ केट आइंस और एनायंस की। बेटे केट आइंस बेसिकली इनके ऊपर चार्ज हो सकता है पॉजिटिव। अब यहाँ पे हमारे पास तीन फंडामेंटल पार्टिकल हैं किसी एटम के अंदर, इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। लेकिन आइंस फॉर्मेशन के अंदर सिर्फ एक फंडामेंटल पार्टिकल जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा होता है, उसका नाम होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन या तो क्या होगा, लॉस होगा, या इलेक्ट्रॉन गेन होगा। अगर इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाए तो मतलब ये है किसी भी चीज के पास से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, वो चीज इलेक्ट्रॉन दे रही है, तो इसका मतलब ये हो गया कि उसके पास क्या हुई, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हुई। मिसाल के तौर पे आपके पास 10 रुपए हैं जेब के अंदर, आप क्या करते हैं वो 10 रुपए क्या दे रहे किसी और पर दे, तो आपके पास क्या हो जाएगी, पैसों की कमी हो जाएगी, 10 रुपए की कमी हो गई। तो इसी लिहाज से अगर हम इनको देखें कि जो आपके पास कैटाइंस हैं ये बेसिकली करते क्या हैं कि अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को डोनेट करते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं तो बेटे ये किस में कन्वर्ट होते हैं, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जब इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो इसका मतलब ये हो गया ये कैसे बने, बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन कहां से बेटे रिमूव हो रहा है, आउटर मोस्ट शेल से। बेटे इलेक्ट्रॉन आपको पता है कहां होते हैं, न्यूक्लियस के शेल होते हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं,
वहां से जो आखिरी शेल होगा आउटर मोस्ट शेल बैलेंस शेल जो सबसे आखिर में मौजूद है और उन शेल के अंदर उस शेल के अंदर जिसे हम आउटर मोस्ट कह रहे हैं जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको हम कहते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटे बात ये आ गई समझ में कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन निकल रहा है कहां से निकल रहा है आउटर मोस्ट शेल से। जब इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल से निकल जाता है तो जो एटम जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है उसको चार्ज क्या रहता है पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये हो गया कि आयंस कैसे बनते हैं बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आयंस की बात करते हैं तो बेटे एक चीज क्या कर रही है इलेक्ट्रॉन लॉस कर रही है दूसरी चीज क्या कर रही है इलेक्ट्रॉन गेन कर रही होगी। तो बेटे यहां पे एनायंस कैसे बनते हैं बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आयंस व्हिच आर फॉर्मड बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद बने वो आयंस जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं एनायंस कहलाते हैं बेटे। तो ये दो चीजें आपके सामने आ गई। अब इनकी एग्जांपल के ऊपर चले तो एग्जांपल यहां पे देखो बेटे सबसे पहले जो चीज जो आयन है यहां जो बेसिकली एटम है सारे एटम है हाइड्रोजन सोडियम कैल्शियम क्लोरीन ऑक्सीजन दोस आर ऑल एटम्स। अब हाइड्रोजन में से अगर क्योंकि हाइड्रोजन बनाएगा कैटायन तो क्या करना पड़ेगा इसको एक इलेक्ट्रॉन अपने आप से क्या निकाल इसको करना पड़ेगा निकालना पड़ेगा। यदि निकाल देगा तो बेटे इसमें कन्वर्ट हो जाएगा एच पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह सोडियम है तो सोडियम भी क्या करेगा अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा बेटे निकालेगा अपने में से। जब एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा वैलेंस शेल में से तो बेटे ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम वन प्लस। अब यहां पे वन लिखे ना लिखे एक ही बात है उसमें कोई ऑब्वियस नहीं। इसी तरह कैल्शियम है कैल्शियम के वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो बेसिकली ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। तो बेटे जब ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो इसके ऊपर चार्ज क्या लेगा टू प्लस और साथ में इलेक्ट्रॉन से निकालेगा बेटे टू इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकाल देंगे। तो बेटे यहाँ पे देखना कि जो हाइड्रोजन है ये सोडियम है ये कैल्शियम है ये कैसे बन गए हैं ये अपने आयंस में इसे हम कैटायंस कह रहे हैं उसमें कन्वर्ट हो रहे हैं। कैसे कन्वर्ट हो रहे हैं बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वो स्पेशली जो इलेक्ट्रॉन वो आयन को इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद बनता है वो क्या कहलाता है कैटायंस कहलाता है। अब आ जाए एनायंस के ऊपर तो एनायंस क्या है बेसिकली वो आयंस जो क्या करते हो अपना जो है एक इलेक्ट्रॉन या एक ज्यादा जो होते हैं ये क्लोरीन के रिएक्शन में एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है तो ये क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन यहां से गेन करेगा एनवायरमेंट से और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा क्लोरीन वन माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा यानी किसमें कन्वर्ट हो गया एनायन में कन्वर्ट हो गया ये एनायन ये एटम है और ये एनायन। इसी तरह ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होती है दो इलेक्ट्रॉन गेन करता है और जब दो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो बेटे इसके ऑक्सीजन में दो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं तो इसके ऊपर चार्ज कौन सा है टू माइनस। अब यहां पे देखिए ये जो आपके पास जिनके ऊपर चार्जेस हैं ये तो आयंस हैं लेकिन कौन से आयंस हैं एक आयंस और ये बेटे जिनके ऊपर चार्ज हो गया तब वो क्या है एटम्स हैं। तो इसी चीज को आगे एक शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर डिफरेंस के तौर पर लिखा हुआ है शॉर्ट क्वेश्चन आता बोर्ड के अंदर कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटम एंड आयन। तो बेटे ये आपका क्या है होमवर्क आपने क्या करना है आपने इसको याद करना है तीन तीन पॉइंट्स इसके आपके बुक के अंदर लिखे हुए हैं वो तीनों पॉइंट्स जो हैं वो आपने लिखने हैं। अच्छा एक छोटी सी चीज यहां पे समझाता चलूं जब भी डिफरेंशिएशन वाला क्वेश्चन आएगा बेटे तो बेटे दरमियान में क्या लगेगी लाइन लगेगी दोनों का डिफरेंस एक एक पॉइंट इधर एक पॉइंट इधर एक पॉइंट इस साइड पे एक पॉइंट इस साइड पे आमने सामने आपने लाइन लगा के लिखना है और अगर आगे सिर्फ डिफाइन या एक्सप्लेन आ जाए ठीक है तो क्या करना पड़ेगा आपको एटम आपने ऊपर लिखा नीचे क्या लिख दिया आयन लिख दिया तो इस तरह से दरमियान में लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लाइन उसके बाद आप लगाएंगे जब क्या आएगा कौन सा क्वेश्चन आएगा जब डिफरेंशिएशन वाला क्वेश्चन आएगा। तो बेटे यहां ना इसको रखें बाकी इसको याद करें तो अगर प्रॉब्लम हो तो जरूर डिस्कस करें पूछें ताकि मजीद जो आपका जो कंसेप्ट है वो क्या हो।